हमारे सामने का सोच समझ के रखना कदम, अगर हमने उठा लिया कोई गलत कदम तो बेटा तेरा खानदान कर दूंगा खुदाम खत्म। अरे मित्र विक्स की गोली ले, खिचकिच दूर करी। हाँ जी सुनाइए, स्वागत है आपका। एक टाइम हुआ करता था जब लोग बदमाश और बदमाशी के नाम से कांपते थे, पर आज बदमाशी वही बनकर रह गई है जो तुम्हारी जिंदगी है, एक मजाक। भाई बदमाशी की स्पेलिंग से भी छोटे लौंडे धमकी दे रहे हैं, बताओ। कुछ लोग मिलकर कर रहे मेरे बुराई, और बेटा तुम इतने सारे और मैं अकेला मचा रहा हूं, तब भाई तेरी बुराई। अबे तुझमें बुराई करने लायक है क्या, तू खुद एक बुराई है। अबे तुझसे ज्यादा सुरीली आवाज तो फटे बांस से निकल जाती है, ये बिल्ली के झुंडे दूध की आइसक्रीम खाना बंद कर, इससे तेरे स्पीकर की क्वालिटी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। बेटा जिन दिन भी तुम मिल गए ना फेस टू फेस, तो तेरे घर वाले भी यही बोलेंगे डॉक्टर साहब के लिए स्कूल हो, ये इमरजेंसी केस। अबे बिल्ली के मुंह ये तेरी कंडीशन है, दूसरों को क्या बता रहा है, एक तो पहले से ही तेरा स्पीकर खराब है और ऊपर से खकार थूक के बात किया कर, ये अधूरी पीपनी की तरह क्या पिन पिनाता रहता है। मेरी जान इज्जत तो हम सबकी करते हैं, लेकिन डर किसी का बाप का नहीं रखते। अगर तुझे बाप का डर होता ना तो तू आज यहाँ ना होता। अगर तेरे बाप ने तुझे हाथ में चप्पल लेके अपना पिता प्रेम दिखाया होता ना, तो तेरा यह फटा स्पीकर प्योर JBL बन गया होता। अब तू एक काम कर, करारे वरारे कर और अपनी ये खिचकिच दूर कर। अरे मैं तो खराब इंसान हूँ, जानता नहीं हजारों को, बात मेरे पे चलेगा लेकिन बात मेरे भाई पे आएगी ना तो उठा लूंगा सारों को। अभी क्या बोला तूने, बावली को सड़ीबी को बावली को। अबे चोर बाजार के स्पीकर, अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना तो तुम मुझसे ले जा भाई, विक्स की गोलियों को गर्म पानी में उबाल के उसको ठंडा करके सुबह शाम उसका सेवन कर, तेरी ये शब्दों को रोकने वाली खिचखिच खत्म हो जाएगी, या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल करके देख एक बार, आवाज कोयल जैसी हो जाएगी। और दोस्तों क्या तुम्हें पता है, गाड़ी क्लिच ब्रेक स्टीयरिंग और गियर से नहीं चलती, गाड़ी चलती है भौंकार और दबदबे से। और गाड़ी सीखते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जान चली जाएगी लेकिन गाड़ी पे कभी L वाला स्टिकर नहीं लगेगा, क्योंकि L का मतलब होता है लबार, किसी भी चौराहे पे आपकी पिटाई हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, चौराहे पर पिटाई होती है, इसलिए भैया जी चौराहे के पहले वाली गली से ही कट मार देते हैं। जितना आपकी गाड़ी में डीजल जरूरी है, उतना ही आपकी जेब में कमला पसंद का होना जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे कभी नींद नहीं आती। अबे ओ कमला के प्रेमी, ये नेहा कक्कर की हाइट लेके अमिताभ बच्चन वाला भौकाल मत दिखा, बाकायती उतनी ही करनी चाहिए जितनी औकात हो, क्लिच ब्रेक दबाने के लिए तो तुझको सीट नीचे करनी पड़ती है, बात कर रहा है भौकाल की। काहे इतना धीरे चलते हैं भैया जी, गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। बाहर निकलो। तुमको क्या लगता है ये 25 लाख रुपया हाथी हम चोरकटों की तरह भागने के लिए रखे हैं? जब तक दुनिया वालों को पता न चले कि गाड़ी में कौन बैठा है, तब तक सालों की जलेगी कैसे? अरे भैया जी तेज चलाओ या धीमी, पता चलेगा ही कैसे? गाड़ी के बोनट तक तो ठीक से आ नहीं पा रहे हो, गाड़ी के अंदर बैठ के क्या खाक दिखेगा? जो माफिया और ओजी लोग होते हैं उनकी गाड़ी हमेशा 40 की रफ्तार में रेंगती है और पूरा मोहल्ला बेस्ट ट्यूब से गमक उठता है। माफिया ओजी, पर वो है कहाँ? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अपने बारे में बात कर रहा है। भैया जी सीरियस फेस के साथ जोक बड़ा अच्छा मार लेते हो। भैया जी हम सोच रहे हैं शहर में नौकरी वही छोकरी लाइफ सेटल। एक नंबर के निखट मूर्ख आदमी हो जो गांव का स्वर्ग छोड़ के शहर के नरक में जाना चाहते हो। अरे जितने 2 BHK में सब रहा था ना, उतने हमारे यहाँ 1 BL बनता है। बाथरूम एंड लैट्रिन, सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। लाखन के नौकरी करता है, शाम कल्ले के बैगनार चश्मा लगा के निकल गए, न बीबी इज्जत कर रही है न ट्रैफिक हवलदार इज्जत कर रहा है। अबे आओ फेकू चंद, हर किसी के पास बाप दादा की कब्जाई हुई जमीन नहीं होती, मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते हैं, इसलिए पैसा कमाने के लिए शहर जाना पड़ता है। अगर शहर जाके पैसा नहीं कमाएंगे ना तो तेरी तरह रील्स का बदमाश बनना पड़ेगा, किराए की स्कॉर्पियो लेके, सॉरी स्कॉर्पियो। अबे इतना तो इक्का भाई भी नहीं फेंकते। बुलेट कोई मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए नहीं ली गई है, रंगबाजी और गुंडाई करने के लिए ली गई है। इसी बुलेट में लॉन्ग बॉटल पंजाब का साइलेंसर लगा के, पीछे पट्टा पहना के, जब आप पटपट पटपट करते शहर के बीच से गुजरते हैं तो पूरा शहर गमक उठता है। देख सुन मेरी बात, भले ही तू कुछ भी बात कर ले पर बदमाशी की बात मत कर, तेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रही। अगर पुलिस वालों ने ये रील देख ली ना तो तुझे वॉलीबॉल बना के खेलेंगे। और बदमाशी और गुंडाई करने से पहले एक काम कर, तू बुलेट पे बैठ के दोनों पैर जमीन पे रख के दिखा, मैं तुझे बदमाश मान लूंगा। भाई बताओ ये एक टांग पर बुलेट संभालने वाले भी बदमाशी और गुंडाई दिखा रहे हैं। भैया जी गाड़ी में इतना स्क्रैच कैसे लग गया? स्क्रैच नहीं लगा है, डिजायर वाले को ठोके। काहे भैया जी उसी की गलती थी? गलती उसकी नहीं, गलती तो हमारी ही थी, रॉन्ग साइड हम ही जा रहे थे। लेकिन सामने वाले को भी ये देखना चाहिए कि यदि ये काले रंग की स्कॉर्पियो अनियंत्रित रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही है तो एथिक्स और नियम के अनुसार आपको अपनी गाड़ी साइड में लगा देनी चाहिए और हाथ जोड़ कर कहना चाहिए, भैया जी आप उतरिए, पहले आपकी सुताई की जाएगी।
अबे 2.5 फुट के दाऊद इब्राहिम, तुझ पे गाड़ी धुलवाने के तो पैसे नहीं है। बात कर रहा रोला और भौकाल की, ये उधारी का भौकाल कब तक दिखाएगा? जा कहीं जाके काम वाम कर ले, पैसा वैसा कमा ले भाई, घर नहीं चलने वाला है ऐसे। और अगर तुमको पैसा कमाना है, वो भी ढेर सारा, मतलब अन्ना पैसा भाई, तो तुम्हारा भाई लेकर आया एक ऐसी वेबसाइट जहाँ तुम ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, वो भी घर बैठे गेम खेलते खेलते। टीपी प्ले एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ तुम कुछ मिनट गेम खेल के जीत सकते हो ढेर सारा पैसा, वो भी सिर्फ 100 रुपए लगाकर। है ना भाई बढ़िया ऑफर। यहाँ बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें तुम पैसा लगाकर अपनी बोरिंग जिंदगी को शान से जीत सकते हो। पैसा है तो सब कुछ है भाई। टीपी प्ले में गेम खेल के तुम लाखों रुपए जीत सकते हो, और यहाँ डिपॉजिट और विड्रॉल करना बहुत ही आसान है, और यहाँ से तुम कितने भी रुपए विड्रॉल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो टीपी प्ले में गेम्स खेलो और पैसा कमाओ, और अपनी जिंदगी के मजे लो। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। टीपी प्ले में रजिस्टर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो गेम्स खेलो और फिर पैसा ही पैसा होगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक कर देना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।